बाहों में चले आ सनम क्या पर्दा और एक और पर्दा। पापा ये सनी को संभालने के चक्कर में मैं स्कूल ही नहीं जा पाती, मुझे पढ़ना है पापा, प्लीज मुझे पढ़ना है। सुनिए बेटा, चाचा आज से तुम मुझे चाचा बुलाओगी। क्या बोलोगी? पापा पापा मुझे स्कूल की तरफ से ट्रिप पे जाना है, मुझे 400 रुपीस दो। तो पापा नहीं चाचा, इजी चाचा चाचा। हर पिता का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाए, सही शिक्षा दे, ईमानदारी का सच्चाई का पाठ पढ़ाए। पर यहां तो ये पिता खुद ही अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहा है। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ये आदमी अपने बच्चों से कह रहा है कि वो उसे पिता नहीं चाचा पुकारे। आखिर क्या मकसद हो सकता है उसका? झूठ हमेशा किसी बड़े गुनाह की पहली सीढ़ी होता है। क्या ये झूठ भी आगे चलकर किसी बड़े गुनाह का सबब बनने वाला है? इस कहानी में आगे क्या होगा, आइए देखें। लगावे लो जब लिपस्टिक लेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप। बस बदमाशी नहीं, नहीं बेटा बदमाशी नहीं। मम्मा हाँ? मैं सोच के लिए स्कूल गए। ओके सनी बेटा ये खाओ ये खाओ। आ हाँ रिया क्या हुआ तुम्हारा सम सॉल्व हो रहा है? बस मम्मा। अरे तुम्हारे पापा आ गए। लो 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 देखो पापा आ गए, अभी खाना फिनिश करो। देखिए पढ़ाई एकदम जोरों पे चल रही है, पढ़ बच्चा पढ़ पढ़। एग्जाम आने वाले हैं दोनों के, पता है ना आपको? अच्छा रिया जाओ पानी लेके आओ। जा 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 जा। देखो तराना वैसे तो हम पूरा दुनिया देख लिए हैं, लेकिन सच कहें तुम जैसे संध्या के बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार दे रही हो ना, कोई नहीं कहेगा कि तुम सौतेली हो। कमल जी माँ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। हाँ पर दिया कैंडल लेके भी ढूंढेंगे ना, तुम्हें ऐसी माँ नहीं मिलेगी। अच्छा क्या बात है, बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है आज तो। मक्खन नहीं मक्खन नहीं, और तुम क्या कह रही थी उस दिन कि टीवी बहुत पुराना हो गया है, नया ले आए हैं? बोल तो ऐसे रहे जैसे नया टीवी अभी लेकर ही आए हैं। नहीं नहीं लाए नहीं है, लेकिन फिर एक बार सोचे कि टीवी के साथ साथ तुम भी तो पुरानी हो गई हो, मतलब नया बीवी भी ले आए। कमल जी आप भी ऐसे मजाक बच्चों के सामने। ये दे दीजिए भैया, ये भी डाल दो। माँ मेरा कोई लेटर आया? नहीं आया। बेटा तू ना नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार करना छोड़ दे,
और दूसरी शादी कर ले। माँ मैंने आपको कितनी बार समझाया माँ, मेरे साथ मंटू भी है ना। बेटा माना कि जमाना खराब है, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और माँ तू ये सब छोड़, मैंने विमला बहन को तेरी शादी के बारे में बोल दिया है। आपने मुझसे पूछा तक नहीं, अब तो बता रही हूँ ना। देख जीवन में जीवन साथी हो ना तो जिंदगी का अधूरापन दूर हो जाता है जी। अच्छा एक बात बताइए ना। हाँ, बोलो ना। अचानक आपको क्या बचपन ने सोचा, जिद पकड़ ली कि हम बच्चों के बिना ही घूमने आएंगे? सनी के होने के बाद हम लोग कभी ऐसे घूमने आए हैं? हाँ? याद करो। नहीं। देखो सनी हो गया 2 साल का और तुम हो गई हो 3 साल की। 3 साल? हाँ। मतलब हमारी शादी को 3 साल हो गए ना। तो ये कि तुम क्या कर रही थी उस दिन कि टीवी बहुत पुराना हो गया है, नया ले लो। वो तो मैं आपको कब से बोल रही हूँ। एक काम करते हैं, आज हम टीवी ले ही लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले नहीं बीवी ले आते हैं। लेकिन कमल जी टीवी पर तो आपको ऑफर भी मिलेगा, पुराना दो और नया लो, टीवी पर कोई ऑफर नहीं मिलेगा। हाँ सो तो है, यही तो मजबूरी है इसीलिए। अरे पापा, अरे पापा, ये सनी को संभालने के चक्कर में मैं स्कूल ही नहीं जा पाती। पापा, मम्मी की बात याद आ रही है। अरे बेटा, हमको भी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तुम लोगों की दूसरी मम्मी जाने के बाद तो एकदम अकेले हो गए हैं हम। लेकिन सुनो, बहुत जल्दी ना हम लोग सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या आप कोई नई काम वाली बाई लाने वाले हैं? अरे सवाल मत किया करो तुम, समझी? जा जाके सनी को तैयार कर दो, इसको लेके कहीं जाना है। जा जा तैयार करो, तुम भी जाओ। किशोर कमल जी माफी चाहूंगी, आप यहाँ आने से पहले ये बहन जी बता रही थी कि आपके 3 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है। वैसे आप यहाँ पहुँचने ही वाले थे इसलिए। देखिए रिया और तीनू जो है वो हमारे बड़े स्वर्गवासी भाई के बच्चे हैं, लेकिन ये सच है कि हम अपने बच्चों से भी ज्यादा मानते हैं। यानी आप इन बच्चों के चाचा हैं? जी हमारा तो सिर्फ ये एक बच्चा है सनी, को माँ की सख्त जरूरत है। देखिए ना कितना रो रहा है। और अब भतीजी भी बड़ी हो रही है, घर में कोई महिला का होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चुप हो जाओ माँ। आपको झूठ क्यों बोला? देखिए आपका रिश्ता करवा रही हूँ, अगर कुछ भी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन लीजिए खाली बस। क्या टीनू अपनी गेम खुद उठा के नहीं रख सकता, सब मुझे करना पड़ता है। टीनू बेटा दीदी की बात सुना करो। पापा आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई थी, सारा खाना मुझे बनाना पड़ा। बेटा टेंशन मत लो, अब तुम लोग का प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा, बस तुम लोग हमको मार दो। नहीं पापा, अगर आप मर गए तो। अरे बेटा सच में मत मार। अरे भाई देखो तुम लोग मान लो कि हम मर गए हैं, मानने के लिए कह रहे हैं खाली, हाँ मानने के लिए, तो हम तुम्हारे चाचा हैं, हाँ चाचा बन गए। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। अरे पापा नहीं,
चाचा चाचा। देखो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चाची और सनी के लिए नई माँ लेके आ रहा हूँ। आप शादी कर रहे हो पापा? शादी नहीं बेटा, कुर्बानी। कुर्बानी दे रहे हैं हम तुम लोगों के भले के लिए, लेकिन इस भलाई के काम में तुम लोगों को भी हमारा मदद करना पड़ेगा, हमको चाचा मान के। पर पापा, जब आप पहले नई मम्मी लाए थे तब तो आपने ये नहीं कहा था कि आपको चाचा बोले। समय, सब समय समय की बात है बेटा। सनी की नई माँ और तुम्हारी चाची की उम्र थोड़ा कम है, तो उसे इस घर में लाने के लिए ना सनी की नई नानी से हमको एक झूठ बोलना पड़ा। कैसा झूठ? बेटा, हमने उनसे कहा कि आजा आजा, कि तुम दोनों हमारे स्वर्गवासी भाई के बच्चे हो। आपने झूठ बोला पापा। अरे पगली, चाचा बोले ना, चाचा। ये ठीक नहीं है पापा। अरे बेटा, शादी ब्याह में नमक बराबर झूठ चलता है। एक अपराधी के पास अपने हर बोले गए झूठ और किए गए गुनाह को छुपाने के लिए एक तर्क होता है। यह अलग बात है कि वो मनी मनी ये बात जानता होता है कि वो गलत है। एक शादी जैसा पवित्र बंधन सिर्फ सच, सिर्फ भरोसे की नींव पर खड़ा किया जा सकता है। जो रिश्ता झूठ की नींव पर खड़ा हो, उसका अंजाम कभी सही नहीं हो सकता। किरण और उसके परिवार की गलती ये थी कि उन्होंने कमल के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल नहीं की। उनकी ये लापरवाही उनकी जिंदगी को कहां लेकर जाएगी? इस कहानी में आगे क्या होगा, आइए देखें। अरे वाह बेटा, मंचो पहले उतर गए, सामान भी उतर जाएगा। ये बड़ी वाली भतीजी रिया, ये भतीजा टीमू। मंटू, तुम कहते थे ना कि तुम्हारी भाई बहन नहीं है। आप देखो, तुम्हारे दो भाई हैं, एक बड़ी दीदी है, जाके मिलो जाओ। अरे मूर्ति की तरह खड़े क्या हो, माँ के पहुंच हो। किरण, क्या है ना कहावत, मौसी माँ समान होती है, तो हम तो जानते हैं कि तुम एक दिन साबित कर दोगी, तुम ऐसी चाची होगी जो माँ से भी बढ़कर होगी, है ना? इसलिए एडवांस नहीं मम्मी बोल दिए। पूरी कोशिश करूंगी, मैं इन लोगों को मंटू से भी ज्यादा प्यार करने की कोशिश करूंगी। रिया, क्या है कि उसकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, वो इसलिए तुमको अपनाने में समझ। और तुम टेंशन मत लो ना, हम समझा देंगे ना उसको, सब सब ठीक हो जाएगा। hey, प्यार से बात समझ में नहीं आती तुमको, क्या नाटक लगा रखी हो? नाटक मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? झूठ आपने बोला है, मैंने नहीं। तुम्हारा जुबान चला है ना, तो क्या करोगे, घर से निकाल दोगे? निकाल दो, लेकिन मैं आपका झूठ में साथ नहीं देने वाली। तू हम भी बैठे है ना, ये संस्कार किसके आगे तुम्हारे अंदर? कान खोल कर सुन ले, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई को भी ना अच्छे से समझे।
भैया ये लो तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए, और ये रिया दीदी के लिए। थैंक यू मम्मी। क्या हुआ भैया? को हमारे साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए, हम माफी मांगते हैं उसकी तरफ से, हमको माफ कर दो। अरे नहीं कमल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी छोटी है ना तो ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, उसको सोचना चाहिए कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के उसी के लिए तो आई हो, उसके भाइयों के लिए तो आई हो, लेकिन हम अपना पूरा जीवन दे रही है भतीजा भतीजी को, और वो। अरे कमल जी। खाना खाने नहीं आई तो मैंने सोचा हम लोग यहीं पे खा लेते हैं। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप खुद ही यहाँ से चली जाओगी। नहीं रिया, तुम बोलो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आखिर चाची हूं मैं तुम्हारी। नहीं, आप मेरी चाची नहीं हो। ये क्या कह रही हो तुम रिया? ये बदतमीजी कर रही हो तुम अपनी चाची के साथ? अब क्या करें किरण, देखो रिया पे हाथ उठा के हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, तुम्हारा बेइज्जती भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना हम, अब तुम हमारा पत्नी हो भाई। कमल जी जो भी था, लेकिन आपको उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आप इससे सॉरी। किरण देखो, उसको हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, देखना उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, वो आएगी हमसे भी माफी मांगेगी और तुमसे भी माफी मांगेगी, देखना तुम। पर किरण आज ही हमारी शादी हुई है, कहाँ इधर उधर की बात में लग गए, चलो अंदर चले। हुँ? हुँ? सनी, सनी रिया की बच्चे का नाटक नहीं करती तो बच्चों को संभाल लेते। सुबह रिया और कमल जी कहाँ चले गए? देखो बेटा, झूठ बोलने का गलती तो हम किए हैं, लेकिन तुम जैसे हमरा ये गलती को अपने नई माँ को बता रही थी ना, वो तो हमको जेल भिजवा देती, बस इसलिए ना हम तुमको समझी। अल्लाह, किसका फोन आ गया जी? अभी
सॉरी किरण, हम इन्फॉर्म करना भूल गए। क्या है कि तुम सो रही थी ना? अरे पर आप हैं कहाँ? हम तो ग्वालियर आए हुए हैं रिया को छोड़ने के लिए उसके मामा जी के पास। थोड़ा दिन यहाँ पे रहेगी, मन बदल जाएगा उसका। अरे पर वो... अरे टेंशन मत लो, घर आके बात करते हैं ना। ठीक है ना। बबन जी से बात हो गई थी हमारी। लड़की का है? रिक्शा में। पैसे की बात बबन भाई से हो गई थी? हाँ, हमने उनसे कहा था कि जो देना हो दे दीजिएगा, लेकिन लड़की यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। टेंशन मत, हमारे यहाँ 20-25 बच्चे मजदूरी करते हैं। और शुभ काम में विलम्ब था, जल्दी निपटा जाइए। जितना जल्दी हो सके कर देते हैं इसको। आ जाओ अंकल, आ गए। आ जाओ, बस यही जगह है, आ जाओ। देखो ये अंकल हैं और मामा जी अंदर हैं, ठीक है? तुम इनके साथ जाओ, शाम में फिर मामा जी के साथ उनके घर चले जाना, है ना? जा 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 जा। पापा, दीदी का है, मुझे उनसे मिलना है पापा। ए, मना किया था ना पापा नहीं बोलने के लिए? अरे बेटा देखो, हम बताए थे ना, हम आपके चाचा हैं। क्या हैं? चाचा। अरे भाई एक बार। अरे आ गया। कैसी हो तुम? अरे किन्नू ने परेशान तो नहीं किया ना? ये पूछ रहे थे हम इससे। नहीं, वो क्या परेशान करेगा, वो अपनी बहन के लिए खुद कितना परेशान है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मुझे रिया के पास ले चलिए, मैं उसको किसी भी तरह मना के घर ले आऊंगी। नहीं आएगी वो। मतलब आ जाएगी वो, जब उसका मन होगा तब आ जाएगी। देखो क्या है ना, उसके मामा उसको बहुत लाड़ करते हैं, समझा देंगे ना इस सिचुएशन के बारे में, आ जाएगी। अरे तुम टेंशन मत लो। पर दीदी। आ जाएगी बेटा, दीदी भी आ जाएगी। अरे सुनो, मंटू के पास जाओ, उसके साथ खेलो, ठीक है? अरे मेरा सोना, चलो 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 चलो, गो एंड गॉन हो जाओ, चलो। बैठ जाओ। देखो वैसे तो तुम हमेशा ही सुंदर हो, लेकिन जब टेंशन में होती है ना तो कमाल की खूबसूरत लगती हो तुम। देखिए मुझे ना रिया के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो अपने मामा के यहाँ खुश है ना, वो तुम भी खुश रहो और फिर खुशियां बांटो हमारे साथ। बांटो बांटो। चाचा है हम तेरे, इसका मतलब तारादारी करेंगे तुम्हारे। एक मिनट कमल जी, कि मंटू भी बहुत शैतान है, जरूर इसी ने तंग किया होगा। मम्मा इसने बोला था मैं अपनी मम्मी के साथ चले जा, फिर रिया दीदी आएगी और मुझे मारा। यहाँ से गया इधर रुक गया। अल्ले मुंह काहे के लिए लटकाई हुई हो? अरे तुम टेंशन मत लो, टीनू को उसकी दीदी से मिलवाने के लिए ना लेके जा रहे हैं हम। आप जब आएंगे ना तो रिया और टीनू को अपने साथ लेकर आइए। बिल्कुल, अब चलें। चलो मुन्ना। अरे चलो, आ जाओ, जा 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 जा, चल 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 चल। अच्छा आ जा, चल दीदी के पास जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, है ना? अच्छा हम चलते। अरे इधर रुक। अरे बताए थे ना इसकी तरफ नहीं देखने के लिए, बताए थे ना हमारे पड़ोसी पेट्रोल से भी ज्यादा ज्वलनशील हैं, मतलब जलकुकड़ी हैं, हमेशा ताक में रहते हैं कि कभी इस घर में आग लगा दें। अच्छा हम चलते हैं, हा? और देखो इन लोगों को भाव मत देना, बेल बजा तुम्हें दरवाजा मत खोलना, अपना ध्यान रखना। चलो मुन्ना, आ जा जा जा, चलो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? ये बच्चा बहुत ही छोटा है। अरे लेकिन कोई ना कोई काम तो आएगा। पर अरे पैसा वैसा नहीं देंगे तो भी चलेगा, खाने और रहने को तो देंगे ना बस। ठीक है,
ठीक ठाक करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं। आइए देखिए अंकल, दीदी से मिला था ना आपको, ये अंकल आपको दीदी से मिलाएंगे। आ जाइए आइए आइए, वेरी गुड। ये है बैग इनका, ये आप बैग उठा लीजिए। हाँ है ना, ठीक से रहना दीदी से। तीनों का है, आप उनको साथ ही क्यों नहीं लेकर आए? अरे भाई, उन दोनों का बड़ा मन था मामा जी के यहाँ रुकने का, हम भी मना नहीं कर पाए। मतलब रहो, देखिए आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? तुमको ऐसा लग रहा है? रिया और तीनों मुझे पसंद नहीं करते हैं ना? अरे भाई, तुमसे नहीं ना गुस्सा है वो हमसे गुस्सा है वो दोनों। हम ना शादी करनी है, हम उसके लिए चाची लेके आ गए हैं। देखो थोड़ा दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर देखना। आप नहीं समझ रहे बात को, अगर बच्चे घर में नहीं होंगे तो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें तो ये लगेगा ना कि मैं इस घर में आई, मैंने उनको घर से निकाल दिया। कौन लो? नहीं नहीं, कौन लो? मना कितने तुमको कि उनकी तरफ देखना मत, उनसे बात मत करना। अरे उनका बस चलेगा, वो तो कुछ भी बोलेंगे, और उन लोगों के बोलने से सच बदल जाएगा। तुम कितनी अच्छी हो। हाँ तो बोलो। अरे मंटू बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे वाह, वीडियो गेम, थैंक यू पापा। अरे थैंक यू मंटून। देखो बेटा, अभी तने भैया सो रहे हैं ना, इसके पास ही रहना, तुम इसको छोड़ के कहीं मत जाना, ठीक है ना? खेलो खेलो खेलो, तुम इसको खेलो, मैं कुछ और खेलता हूँ। हाँ तुम कितना थक जाती हो ना, तो पसीना पसीना हो गए ना, हम तुम्हारी पूरी थकान दूर कर देते। अच्छा नहीं आ, 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 नहीं आ, ना। आप रहने दीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे पैर छू रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, बाल सहलाते हैं। हाँ बाल सहलाते हैं। हम सह रहे हैं। क्या हुआ? लगता है मंटू दरवाजा लॉक कर रहा है। अरे मंटू तो सो रहा है, वो कहां से दरवाजा लॉक करेगा? ए, तुम इधर देखो ना इधर। अरे तुमको ना सच कहें तो बच्चा की बहुत फिक्र है, बस ये बच्चे का फिक्र नहीं है तुमको। हम भी फिक्र करो ना, हम भी तो बच्चे ही हैं। अच्छा सुनिए ना, वो मैं क्या कह रही थी, रिया के मामा जी का नंबर देंगे आप मुझे? बहुत दिन हो गए ना बच्चों से बातें की, फोन कर रहा था। क्या हुआ? पीछे ना? हाँ ना, है ना, देते हैं ना नंबर, देते हैं ना नंबर, देते हैं ना। 7796 23। Thank you.
हेलो जी, मैं किरण बोल रही हूँ लखनऊ से। वो रिया और टीनू से बात हो सकती है? रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, बच्चे लोग दिखाई नहीं दे रहे, सो गए क्या? हाँ सो गए। अरे वाह। अच्छा सुनिए, वो जो रिया के मामा जी का आपने नंबर दिया था ना मुझे, वो गलत है। अच्छा, नंबर तो सही दिया था। नहीं नहीं, मैंने जब उस नंबर पे कॉल किया ना, तो किसी ने फोन उठा के बोला कि वो रॉन्ग नंबर है और फोन काट दिया। ऐसा? अरे तुम समझी नहीं, मामा जी तुमसे बात नहीं करना चाहते होंगे। अरे पर क्यों? देखो वो भी नहीं चाहते थे कि हम शादी करें। उनको पता है जब हम रिया के पास गए तो क्या कहा उन्होंने हमसे? बोले कि रिया और टीनू कभी हमारे पास नहीं आएंगे। क्या? तो भी रिया और टीनू की बहुत याद आती है, इतने इतने तब से हमारे साथ थे वो। भूल जाओ किरण, भूल जाओ लोग। मामा जी संभाले अपने आपको। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये रिया और टीनू नहीं दिखाई दे रहे आपके आते ही? मेरा मतलब है कहाँ चले गए? वो दरअसल अपने मामा जी के घर पे हैं। अच्छा, बेचारे बच्चे। वो क्या है ना, सगी माँ मरी ना तो दूसरी ने तो बड़े अपनेपन से पाला, और तीसरी, अब मेरा मतलब आप शायद बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। नहीं वो एक मिनट। हेलो, बेचारे बच्चे। वो क्या है ना, सगी माँ मरी ना तो दूसरी ने तो बड़े अपनेपन से पाला, और तीसरी, अब मेरा मतलब आप शायद बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। क्या बात है, मुंह एकदम लटका हुआ बैगन की तरह, कहा इतना उदास हो? मैं आपकी तीसरी बीवी हूँ और रिया और तीनों आप ही के बच्चे। जरूर उसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे, पड़ोसी ने, है ना? हाँ, पड़ोस वाली शांति ने बोला। शांति? अरे सिर्फ वो नाम की शांति है, सबसे बड़ी अशांति है वो। उसके पति ने जब उसको छोड़ दिया ना, मुझ पे डोने डोने लगे, मुझ पे, मुझ जैसे शरीफ आदमी पे। हमारे पास दारू गली नहीं होती, ये तरीका अपनाया तुम्हारे कान भरने का। वो तो तुम अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, जो हमसे आके बात कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और पत्नी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे बहन जी रुकिए। नमस्ते, कैसी हैं आप? देखिए मुझे आप जैसी औरतों से कोई बात नहीं करनी। एक मिनट। ये आप जैसी मतलब? मतलब ये कि आप मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काएंगी और मुझे ये सब नहीं सुनना है, इसलिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये पूरा मोहल्ला जानता है कमल किशोर क्या चीज है, उसकी दो दो बीवियां मरी है वो भी एक्सीडेंट में। ये कोई सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, उससे बच के रहना, वरना हमें क्या पड़ी है। हाँ?
अंकल जी ने यहाँ के मामा जी का जो नंबर दिया था वो तो इससे अलग है। क्या हुआ? फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं कुछ। मैं चाय बना के लाती हूँ, आप बैठिए। हाँ मैं लाती हूँ। बैठो ना। क्या कह रही थी तुम उस दिन कि वॉशिंग मशीन पुराना हो गया है, बदल दें, नया ले आते हैं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो कोई बात नहीं, नहीं कहा तो कोई बात नहीं, बाहर चले घूमने, बच्चों को नानी के पास छोड़ देते हैं, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। अब तुमको भी तो समय चाहिए ना कुछ तुम्हारे लिए, है कि नहीं? नहीं? ठीक है। क्या बात, ठीक है ठीक है, फिर चलते हैं। चुप चुप क्यों भाई? नहीं वो टा हाँ, अच्छा अभी लेके आते हैं बुट्टा। यूं गए यूं आए हैं? हेलो, ये ले। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म भुट्टा, लीजिए लीजिए और खुश हो जाइए। अच्छा लग रहा है ना बाहर आके? अभी ग्वालियर चलो। मतलब अचानक ग्वालियर, समझे नहीं। क्यों रिया, तीनों को तो ग्वालियर में उनके मामा जी के पास छोड़ा है ना आपने? हम तो उसको दिल्ली वाले मामा के यहाँ ना छोड़े हैं, भूल गई तुम? दिल्ली वालों के पास छोड़ा है और वहां से 6 घंटे में आप वापस भी आ गए? झूठ बोल रहे हैं ना? देखो किरण, हम तुमसे और भी बहुत झूठ बोले हैं, उसमें से एक झूठ ये भी है कि तुम हमारा दूसरा नंबर वाले बीवी नहीं, तीसरा नंबर वाली बीवी। अब देखो बीवी दूसरा नंबर की और तीसरे नंबर क्या फर्क पड़ता है बताइयो? देखो तुम अपना पूरा सातिरपना से ना बहुत सच जान गई, लेकिन सच जानने में ना थोड़ा देर कर दी, समझे? कैसे कि ये सच तुम अपने सीने में दफन करके कफन हो जाओगे। पूछोगी नहीं कैसे? पूछना नहीं कैसे, कैसे एकदम नहीं पूछना, हम बताते हैं ना कैसे। हमारा पैर गड्ढा में आ गया था ना तो तुमको धक्का लग गया। अरे भगवान बचा लिया तुमको।
शक कर रही हो। कहाँ है रिया और तीनू? बोले ना, ग्वालियर वाले मामा जी के पास है, समझी नहीं तुम? ग्वालियर वाले मामा जी के पास है? झूठ बोल रहे हो? ग्वालियर वाले मामा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि रिया तीनू उनके पास नहीं। किरण बताओ कि कहाँ है रिया और तीनू? क्या हुआ मैडम? इससे पूछे इस आदमी ने बच्चे गायब किए, पूछे इससे कहाँ कौन, बताओ बच्चे कहाँ? बताओ बता बता बता। कमल किशोर नागर को अपनी पहली पत्नी संध्या और दूसरी पत्नी तराना के कत्ल के जुर्म आईपीसी की धारा 302, तीसरी पत्नी किरण की हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 307, रिया और टीनू को बाल मजदूरी कराने के लिए आईपीसी की धारा 361 और 317 के तहत उम्र कैद की सजा मिली। साथ ही साथ बाल मजदूरी करवाने वाले कारखाने के मालिक को द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत 3 साल की सजा हुई। आमतौर पर एक पिता अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाता है, पर कमल किशोर जैसे लोग अपनी वासना की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। हम तारीफ करना चाहते हैं किरण की हिम्मत और बहादुरी, उसी की सूझबूझ की वजह से कमल किशोर को सजा हुई, उसी की सूझबूझ की वजह से कई मासूम बच्चों को बाल मजदूरी से आजादी। हम जब भी किसी के साथ एक नया रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारी खुद की, हमारे अपनों की उम्मीदें उससे जुड़ी रहती हैं। एक छोटी सी गलती हमारी ही नहीं, कईयों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। आइए मिलकर सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, एक सुरक्षित देश बनाएं। जब आप और हम मिल जाएंगे तो ऐसा हो सकेगा। इसी उम्मीद और नारे के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां इंडिया क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।